बादल छा चुके हैं और नई सुबह के साथ हम मुंबई पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग निकल चुके हैं हमारी नई होंडाई क्रेटा को लेकर बॉम्बे मुंबई, और वहां जाएंगे और हमारी क्रेटा को हम कुछ मॉडिफिकेशन करवाएंगे एक्सेसरीज में, ताकि वो बेस्ट से टॉप मॉडल बन जाए। इसी के साथ आज का सफर हमने शुरू किया था रात 9 बजे और अभी सुबह की 5:30 बज चुकी है, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बॉम्बे मुंबई आमची मुंबई को जा रहे हैं, और हम जाएंगे विग ऑटोमोबाइल, जहां पर हमें मिलेंगे तनवीर भाई, और हम हमारी इस क्रेटा को जो हमने कल ही परचेस की है और इसकी हम करवाएंगे रंगाई पुताई और इसे सजा दजा कर वापस लाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में आगे, तब तक आप मौसम का आनंद लीजिए और इस सुहाने सफर का आनंद लीजिए। क्या शानदार नजारा है, आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं, बादल बिल्कुल जंगल में आकर बैठ गए हैं। इस तरीके का मनोरम दृश्य आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। देखिए कितना सुंदर और सुहाना मौसम है, बारिश नहीं हो रही है लेकिन बादल की आवाजाही यहाँ पर लगी हुई है, बहुत ही शानदार। देखेंगे क्या एक्सेसरीज इस मेरी क्रेटा में हम लगाने वाले हैं, क्या मॉडिफिकेशन होगा, क्या लुक होगा मेरी इस क्रेटा का। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिल गए हैं झंडा लेकर। क्या नाम आपका? सुरेश भाई ने हमको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे करने के लिए, इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए हमें झंडा दिया है, और ये झंडा हमने ले लिया है और लगा भी लिया है। और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस आपको हार्दिक मुबारकबाद दे। हम इसी तरह झंडे बेचते रहो और हम यशी झंडे गाड़ते रहे और हम झंडे गाड़ते। फाइनली दोस्तों, हम विग ऑटो एसेसरीज मुंबई में पहुंच चुके हैं अपनी कार को लेकर बनाने के लिए, और भैया अंदर बैठे हैं। ये देखो, आज हमने तनवीर भाई को साक्षात देख ही लिया, अब तक हम वीडियो में देख रहे थे। और ये देखिए, ये है तनवीर भाई का साम्राज्य, जहाँ से पूरा इंडिया ये हैंडल कर रहे हैं, और मैं खुद पहुंच गया हूँ और मुझे बड़ा ग्रेटफुल फील हो रहा है कि मैं आज तनवीर भाई से मिला हूँ। अब हम निकल पड़े हैं तनवीर भाई के सर्विस सेंटर की ओर। और कुछ ही मिनटों में आ गया तनवीर भाई का ये सर्विस सेंटर। आज तो मर जाएंगे, हाय कुछ कर जाएंगे। अरे यहाँ तो पहले से ही बहुत सी गाड़ियाँ लगी है। आज ना घर जाएंगे, आज तो मर जाएंगे, हाय कुछ कर जाएंगे। बहुत ही स्पीड से मेरी क्रेटा को खोल दिया और मॉडिफिकेशन काम चालू हो चुका है। यहाँ पर काम हो रहा है और हम चलते हैं आराम करने के लिए। और तनवीर भाई ने हमारे लिए रुकने की व्यवस्था की थी यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था, हम सो सके, क्योंकि पूरी रात हम चल रहे थे और पूरी रात से ड्राइव करने के बाद इतने थक चुके थे कि हम बैठ नहीं पा रहे थे, और यहाँ हमें अच्छी व्यवस्था मिली। तनवीर भाई ने एक अच्छी जगह हमें रुकने के लिए और आराम करने के लिए दी। आप देख क्या कुछ सूरत बदली है अब मेरी क्रेटा की। चलो दोस्तों, वीडियो में आगे बने रहिए, देखते हैं अब जाकर सर्विस सेंटर में और मेरे भैया। तैयार होकर निकल गए। क्या कुछ चेंजेस हो चुके हैं हमारी गाड़ी में, और ये नेशनल फ्लैग देखकर मैं समझ गया हूँ कि ये ही मेरी कार है। अब मेरी क्रेटा काफ़ी बदल गई है, पीछे लग गया है स्पॉइलर शाफ्ट फिन एंटीना। अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा सामने। मेरी राहों में फूलों का रास्ता है मेरा। टॉप मॉडल का बिल्कुल सही कहा भैया आपने, एकदम टॉप मॉडल की फीलिंग आ रही है। वाओ सुपर, ये हम इंटर कर गए हमारी न्यू क्रेटा में। और अब मुझे भैया सिस्टम के बारे में पूरा समझाएंगे, और भैया ने लगा दिया मॉन्टेंगो ब्लू पंखा
12.33990। चाय की पहली चुस्की वो भी गाड़ी में बैठकर, और मोंटेगो बे ब्लू पंक का सिस्टम सीखते हुए समझते हुए। भैया फ्रेंड्स, मेरी न्यू क्रेटा फुल्ली रेडी है, सिर्फ एडवेंचर के वेंट्स लगाना यहाँ बाकी है। भैया ने अंदर बैठकर हम दोनों ने मिलकर म्यूज़िक सिस्टम के बारे में समझ लिया है। भैया चेकआउट कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग फिटमेंट्स को चेक कर रहे हैं। हाइट है उसको अपन चेक करें एक बार। ये देखिए कनेक्टिंग DRL जो लग चुकी है, बढ़िया सा लुक आ रहा है अभी, बहुत ही शानदार लुक बाहर से दिख रहा है। इंडिकेटर भैया ने चालू किए हैं चेक करने के लिए, और फुल्ली रेडी मॉडिफिकेशन यहाँ हुआ है मुंबई में विग ऑटो एसेसरीज पर। सच में अल्टीमेट बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और तनवीर भाई खुद पहुंचकर गाड़ी को ओके रिपोर्ट दी। फाइनल बहुत कुछ काम हो चुका है, एंड्रॉइड ऑटो जो यहाँ पर एसेसरीज लग चुकी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लुक आ रहा है। ये देखिए क्या लेदर रैपिंग है इसमें, ये है क्रूज कंट्रोल, सनग्लास होल्डर और ये सीट कवर, सुपर मज़ा आ गया, इतना बढ़िया फिटमेंट है। ये ट्रिम्स जो तनवीर भाई हमेशा बताते रहते कि कभी भी इसको कटिंग नहीं करना है, रिप्लेस करना है, और टोटली रिप्लेस करके क्या फिटमेंट है देखिए यहाँ पर, ये कितना सॉलिड है, इतना अच्छा लगा। क्योंकि और ये मैं ना, हमारा देखने का काम ही नहीं कि मैं आके बताऊँ कि ये वाला कलर लगा दो वो वाला कलर लगा दो, यहाँ पर जो कलर का जो कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्विचिंग भी उसी कलर की, देखिए आप स्टिचिंग की गई तो उसी कलर की है, और ये कलर है, ये कलर मैच हो रहा है, ये कलर मैच है, तो इसकी जो ये देखिए पाइपिंग देखिए उसी कलर की। तो ओवरऑल जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया तनवीर भाई ने कि आप ये वाला सीट कवर लगाइए, आप चाहो तो वो लगा सकते हो, लेकिन आपकी गाड़ी में ब्लैक नहीं है, तो ब्लैक नहीं होने की वजह से जब ये कलर दिया तो मुझे ऐसा लगा कि साला मैंने तो सोचा ही नहीं था कभी कि इतना बढ़िया इतना कलर और इतना कॉम्बिनेशन में गाड़ी बन जाएगी। मुझे लगा हाँ कुछ ना कुछ सीट कवर लगेगी, ये लग जाएगा वो लग जाएगा, तो ओवरऑल समझ में आ गया था कि हाँ पार्ट्स जेन्युइन लगेंगे, जेन्युइन काम होगा, बहुत बढ़िया होगा, वो तो मुझे पूरा विश्वास था। लेकिन उसके बावजूद जो मैंने यहाँ पर पाया कि इतना अच्छा आउटपुट निकल के आ रहा है कि गाड़ी नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्रेटा की बेस्ट मॉडल नहीं टॉप मॉडल उठा के लेके आया हूँ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ अपने वीडियो में। देख लीजिए आप यहाँ पर बैक में भी देख सकते हैं, ये देखिए कितना प्यारा है, नीचे देखिए मतलब, और साउंड सिस्टम की मैं बात करूँ आपकी, मैंने अभी साउंड सिस्टम अंदर सुना और इतना ज़बरदस्त बज रहा था कि ऐसा लग रहा था कि कोई पार्टी का कोई शोरूम है जहाँ पर मस्त पार्टी हो रही है, और जहाँ पर बहुत बड़ा मुंबई में आगे माउंट मैरी। हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, हुसन तेरा सितारों की नगरी मुंबई माया नगरी से हम शाम ढलते धीमे धीमे गाने गुनगुनाते निकल दिए हमारे घर की ओर वापस। बहुत ही आलीशान रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए भैया पहुंच गए हैं, रशियन टी ऑर्डर करेंगे अभी। आगे का रास्ता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, इतनी तेज बारिश है कि वाइपर भी ग्लास को क्लीन नहीं कर पा रहे हैं। ये छोटी मोटी गाड़ियां खराब सड़कों पे भी दौड़ रही है। सुबह की 3 बजी और हम घर को पहुंचने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं,
और धीरे धीरे हम हमारे घर की ओर पहुंच गए हैं। वो दूर से दिख रहा है मेरा घर। और फाइनली ये वीडियो यहीं हम खत्म करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।